नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बिजनेस विचार आइडिया। किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको ब्लैक कार्प के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। ब्लैक कार्प मछली पालन कैसे शुरू करें? दोस्तों, ब्लैक कार्प मछली आप इस नाम को सुने होंगे और इस मछली का पालन देश भर में बहुत तेजी से हो रहा है। उसके पीछे का टेस्ट है और ये भोजन में लाने का भोजन के लिए बहुत अच्छा है और इसके साथ साथ इसकी दवाइयाँ भी बनती है, इसीलिए इसकी मांग बहुत है। और मांग बढ़ते ही अगर आप इस मछली को अगर आप पाल रहे हैं तो आपके पास अगर तालाब हो तो आप इस मछली को बहुत आसानी से पाल सकते हैं। और ब्लैक कार्प मछली इसकी बहुत डिमांड भी है देश भर में और किसान इसका पालन आप कर सकते हैं। और चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। जैसे ये ब्लैक कार्प मछली, और इसे आप कितने तालाब में डाल सकते हैं, कितने छोटे तालाब में डाल सकते हैं और इन्हें क्या खिला सकते हैं और ये कहाँ के रहने वाली हैं और आप इन्हें कितनी हार्वेस्टिंग करना कर पाएंगे और कितनी इसे मतलब कितना आप फीड इसे खिलाएं, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी इसमें देंगे। और वीडियो को पूरा देखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप चैनल पर या वीडियो पर पहली बार अगर हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, तभी आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहुँचती रहेगी। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये ब्लैक कार्प मछली ये चीन की और वियतनाम की मछलियां हैं और उन्हें वहाँ पर इन्हें बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया जाता है, बहुत अधिक पालन होता है वहाँ पर और ये भारत में इसकी डिमांड बहुत हो गई है और ये बहुत भारत में चलन में है। और इसके साथ ब्लैक कार्प साथ अन्य कार्प मछलियाँ भी डालकर तालाब में पालन कर रहे हैं, जैसे ग्रास कार्प और कॉमन कार्प भी डाल के पालन कर रहे हैं। इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। बात किया जाए कि इनके तालाब के बारे में, तो ये आप इन्हें लमसम 1 एकड़ के तालाब में या छोटे तालाब में लमसम आप 10,000 स्क्वायर फीट के तालाब में आप डाल सकते हैं। उससे कम तालाब में आप इन्हें ना डालें। अगर आप लमसम अगर 1 एकड़ तालाब में अगर मछली के बच्चे आप डाल रहे हैं तो 10 या 15 हज़ार मतलब मछली के बच्चे आप डाल सकते हैं, लेकिन फिंगर साइज मछली के बच्चे आप डाल सकते हैं 10,000-15,000। और इन्हें आप किन किन मछलियों के साथ है आप पालन शुरू कर सकते हैं, जैसे आप ग्रास कार्प मछली के साथ और सिल्वर मछली के साथ और कॉमन कार्प मछली के साथ और ब्रिगेड के साथ आप इन्हें कर सकते हैं। और बात किया जाए कि इनकी ग्रोथ के बारे में, तो लमसम ये 1 महीने में या मतलब 3 महीने में 1 kg हो जाती हैं और 1 साल में लमसम 4 किलो हो जाती हैं। 4 kg की मछली ये बड़े आसानी से तैयार हो जाते हैं 1 साल में, लेकिन आपके जैसे हार्वेस्टिंग मतलब उनके फीड के हिसाब से ये अपना ग्रोथ लेते हैं। जैसे आप जैसे इन्हें जितना फीड आप खिलाएंगे उसी के हिसाब से ये अपना तैयार होंगे। और अगर आप कम खिला रहे हैं तो साल भर में आपको 3 से 4 किलो भी हो सकते हैं और 2 किलो हो सकते हैं। अगर आप फीड ज़्यादा खिला रहे हैं तो 4 से 5 किलो भी हो सकते हैं और 3 किलो भी हो सकते हैं। और बात किया जाए इनकी जो मार्केट में रेट होती हैं, तो मार्केट में इनकी रेट है लमसम आप जो कॉमन कार्प मछलियां हैं या चाइना मछलियां उनकी रेट के बराबर ये बिकती हैं और आप इन्हें मार्केट में आसानी से बेचकर अपना प्रॉफिट मुनाफा भी कमा सकते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा है। इसीलिए हर किसान जो है वो ब्लैक कार्प मछली के साथ साथ ग्रास कार्प मछली और सिल्वर मछली ब्रिगेड मछली ये सब डालते हैं, जैसे इन्हें ये नॉर्मली मतलब उसी के चारे के हिसाब से ये भी बहुत जल्दी ग्रोथ होते हैं। और साथ में जो तालाब होती हैं उनमें जो काई होती हैं वो काई को खाकर घास जो जलीय पौधे होते हैं तालाब में उन्हें खाकर ये बहुत जल्दी ग्रोथ लेते हैं। और आपके तालाब में अगर शंख है या शंख जो होते हैं छोटे छोटे शंख होते हैं तो ब्लैक कार्प मछली बड़ी आसानी से इन्हें खाकर ख़त्म कर डालती है पूरे तालाब में जितनी होती हैं और उनसे अधिक ग्रोथ मिलता है उनको। तो आप कोशिश करिए कि आप इन्हें चारा अच्छे से अच्छे चारा मतलब चारा इन्हें खिलाते रहिए बराबर और ये साल भर में बहुत अच्छी से ग्रोथ लेंगे। बात किया जाए
इसी पे वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।